हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे और ये रियल क्लोज टेस्ट है जो CGL 2017 टीयर वन में पूछा गया है 8 अगस्त 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। और क्लोज टेस्ट की ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर SSC के स्टूडेंट्स के लिए, और इसके बाद में पैरा जंबल और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनके भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बना के डालूँगा। और ग्रामर के जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है या आपका एडवर्ब है या पार्टिसिपल और जेरेंड है, इनके भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। आगे बढ़ने से पहले इस टारगेट बैच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रनिंग है, इस समय चल रहा है। 9 जुलाई से ऑलरेडी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी इसमें देर नहीं हुई है, अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीवियस क्लासेस भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, तो इसके रिगार्डिंग, इसके थ्रू भी आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये है एक क्लोज टेस्ट और इसमें 10 आपके क्वेश्चन हैं और 10 फिलर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्लोज टेस्ट बेसिकली किस चीज़ का टेस्ट होता है? क्लोज टेस्ट वोकेबलरी का भी टेस्ट होता है, ग्रामर का भी टेस्ट होता है और लॉजिकल रीजनिंग का भी टेस्ट होता है। इन तीनों चीज़ों का टेस्ट होता है, लेकिन इसमें वोकेबलरी जो चेक की जाती है वो कॉन्टेक्स्चुअल वोकेबलरी चेक की जाती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए रहते हैं, ये काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, कभी कभी तो थोड़े से सिंपल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन जो होते हैं ये काफ़ी क्लोज होते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। इसी को हम रैपिड फिलर भी बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आपको फिल करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को, और क्लोज टेस्ट को शुरू करने से पहले कम से कम 50% क्लोज टेस्ट आपको पढ़ना है ताकि आपको एक रफ आइडिया हो कि किस बारे में है और क्लोज टेस्ट का टोन क्या है, ये निगेटिव टोन में है या पॉजिटिव टोन में है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद इन फिलर्स को हम करना शुरू करेंगे और एक एक आंसर को हम जस्टिफाई करते हुए चलेंगे। गांधी जी वंस सेड, आई वुड से दैट इफ द विलेज पेरिसेस, इंडिया विल पेरिश टू, इंडिया विल बी। तो इसमें गांधी जी ने विलेज का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, विलेज कितना वाइटल और इम्पोर्टेंट हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, वो इसमें बात की गई है। और यहाँ पर एक वर्ड आया है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नुकसान होना या नष्ट होना। ठीक है, तो गांधी जी ने एक बार कहा था कि आई वुड से दैट इफ़ द विलेज पेरिशेस इंडिया विल पेरिश टू, मतलब यदि गांधी जी ने एक बार कहा था कि भारत का कोई भी गांव यदि तकलीफ में है तो इंडिया तकलीफ में रहेगा। ठीक है, यदि विलेज पेरिश करता है तो इंडिया पेरिश करेगा, ये उनका स्टेटमेंट था। तो यहाँ पर एक्चुअली पूरा स्टेटमेंट ही नीचे तक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं गांधी जी ने जो बोला है वो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, इंडिया विल पेरिश टू, इंडिया विल बी मोर इंडिया। अब यहाँ पर चूंकि हम बोल रहे हैं कि यदि विलेज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, विलेज डेवलपमेंट नहीं होता है, विलेज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होते हैं, तो इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि इंडिया जो मिलकर बना है वो गाँव से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंडिया विल बी मोर इंडिया। अब देखिए ऑप्शन देखिए, सर्टेनली इंडिया, यदि आप सर्टेनली इंडिया बोलेंगे तो इसका अर्थ ही गलत हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इंडिया में यदि गांव अगर प्रॉब्लम में है तो इंडिया और ज़्यादा इंडिया बन जाएगा, मतलब इंडिया में और ज़्यादा तरक्की होगी, जो कि गलत होगा। ठीक है, स्कैसली का मतलब होता है मुश्किल से, हालांकि आप स्कैसली यहाँ पर लगा सकते हैं लेकिन स्कैसली के बाद मोर नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ग्रामर आपकी चेक की जा रही है, स्कैसली के बाद और हार्डली के बाद मोर नहीं आता, स्कैसली और हार्डली के बाद आप एनी लगा सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मोर दिया है, मोर किसके साथ आता है, मोर या तो मच के साथ आएगा या नो के साथ आएगा, इन दोनों के साथ मोर वर्ड आता है। तो इंडिया विल बी मच मोर इंडिया, यदि आप ऐसा बोलते हैं कि गांव यदि प्रॉब्लम में है तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंडिया बन जाएगा, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, जो कि गलत होगा। और यदि आप बोलते हैं कि इंडिया विल बी नो मोर इंडिया, मतलब यदि गांव प्रॉब्लम में है, गांव में तरक्की नहीं है, तो इंडिया विल बी नो मोर इंडिया, क्योंकि इंडिया अल्टीमेटली गांव से मिलके बना है, तो इसलिए नो कहना यहां पर एकदम सही होगा, यहां पर आपका आंसर होगा नो। अब आपको SSC एग्जाम में या
कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, उसमें आपको आंसर्स जब लगाना है तो इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि उस पर आप फाइट कर सकें, उस आंसर पर, उस आंसर को आप जस्टिफाई कर सकें कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ पर यही आंसर आएगा, इसके अलावा और कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 99% तो आपको कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, यदि 100% हो तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए यहाँ से देखते हैं, हर ओन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, उनका जो मिशन है इस वर्ल्ड में आने का वो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़े से ऑप्शंस देखते हैं, लॉस्ट, एक्सटेंशन, एलिवेटेड और फ्लरिश्ड। यहां पर देखते हैं, लॉस्ट, एक्सटेंशन, एलिवेटेड और फ्लरिश। तो हर ओन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट, अब क्या लगाएंगे हम, उनका जो मिशन है, यदि ऐसा होता है कि गांव प्रॉब्लम में आते हैं और गांव में तरक्की नहीं हो रही है तो उनका जो मिशन है वो खत्म हो जाएगा। हर ओन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट लॉस्ट, क्योंकि एक्सटेंशन आप लगा नहीं सकते, एक्सटेंशन का अर्थ तो होता है कि वो चीज़ बढ़ जाएगी, एलिवेटेड का अर्थ भी होता है वो चीज़ ऊपर जाएगी, और फ्लरिश का अर्थ होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ का तरक्की करना, बढ़ना। तो ये तीनों ही वर्ड जो हैं ये यहाँ पर नहीं आ सकते, ये तीनों ही वर्ड बिल्कुल गलत हैं, और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लॉस्ट। ठीक है, हर ओन मिशन, या हिज होना चाहिए एक्चुअली, ये हिज ओन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट लॉस्ट, तो यहाँ पर आप लगाएंगे लॉस्ट द। अब 133 में देखते हैं क्या आंसर आएगा, द ऑफ द विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज नो मोर। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि गांव की तरक्की पॉसिबल है केवल तभी, गांव की तरक्की पॉसिबल है केवल तभी, द विलेज इज पॉसिबल, द प्रोग्रेस ऑफ विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज नो मोर। तो आपको लॉजिक देखना है कि क्या लगा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया में एक बाढ़ आ गई या कोई भी कैजुअल्टी आ गई, तो यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं उनको उनको यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पर वहाँ पर लोकेट करना, उसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। तो गांव के रिहैबिलिटेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम गांव के रिहैबिलिटेशन की बात भी नहीं कर रहे हैं, डिवेस्टेशन की बात भी नहीं कर रहे हैं, गांव को गांव में जान फूंकने की बात कर रहे हैं, और जान फूंकने के लिए रिवाइवल जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है। प्रूनिंग का अर्थ तो काटना होता है, प्रूनिंग नहीं आएगा, तो रिवाइवल यहाँ पर आपका सही वर्ड होगा। हर ओन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट लॉस्ट एंड द रिवाइवल ऑफ द विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज नो मोर, मतलब गाँव का रिवाइवल पॉसिबल है लेकिन कब, जब ये हो। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है अपने पास, देखते हैं ऑप्शन क्या है, denuded, exploited, contaminated और populated. When it is no more populated, तो populated का तो कोई सेंस नहीं बनेगा, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि गांव की तरक्की केवल तभी संभव है जब वहाँ पर कोई पॉपुलेशन ना हो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, जब वहाँ पर गांव की तरक्की पॉसिबल है जब वहाँ पर कोई प्रदूषण ना हो, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। और डिन्यूडेट का अर्थ होता है पूरी तरीके से बारिश में फ्लड हो जाना, वहाँ पर पानी पानी हो जाना, तो यहाँ पर ये वाला तो सेंस नहीं बनेगा इस वाले ऑप्शन का। तो एक्सप्लॉइटेड का सेंस बन सकता है, द इसमें हमने क्या लिया था, इसमें हमने लिया था रिवाइवल, द रिवाइवल ऑफ द विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज नो मोर एक्सप्लॉइटेड। गाँव का रिवाइवल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे कोई इंडस्ट्री खुलनी है तो गांव की ज़मीन ले ली जाती है, या गांव के लोगों को थोड़ा बहुत पैसा दे के उनसे ज़मीन हथिया ली जाती है, और गांव के लोगों का जो काम धंधा है वो ठप्प पड़ जाता है, वहां पर रोज़गार क्रिएट नहीं हो पाते, तो एक तरीके से मान सकते हैं एक तरीके से उनका शोषण होता है या एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। तो गाँव का रिवाइवल यानी गाँव में हम जान तभी फूंक सकते हैं जब इट इज़ नो मोर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड कहना बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। बाकी के ऑप्शन देखिए आप, डिन्यूडेट का मतलब पानी भर जाना, कंटेमिनेटेड का मतलब किसी चीज़ को प्रदूषित करना, और पॉपुलेट, इनका कोई सेंस नहीं बन रहा है, एक्सप्लॉइट का यहाँ पर सेंस बन रहा है।
और इसी तरीके के क्लोज टेस्ट आपके CGL टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम में आएंगे। और इस तरह के क्लोज टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में अपने अपने टारगेट बैच में करवा रहा हूँ, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा टारगेट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आप निश्चित सफलता पाना चाहते हैं CGL 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ए मास स्केल विल लीड टू। यदि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें मास स्केल पर मतलब बड़े स्तर पर यदि हम करें, तो इट विल लीड टू पैसिव और एक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द विलेज। अब हम देखते हैं 135 में क्या ऑप्शन है। 135 में है पैसनेटली, सरप्राइजिंगली, स्केसली और नेसेसरली। यहाँ पर आपको एक एडवर्ब चाहिए, मतलब मास स्केल पर यदि आप उद्योगीकरण करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, तो इससे पैसिव या एक्टिव एक्सप्लॉयटेशन होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो होता है गांव का जो ज़मीन होती है और गांव की जो फार्मिंग होती है वो सारी उसमें उसको नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड हम लगाएंगे, लीड एक वर्ड दिया है, तो लीड एक वर्ब है और लीड के साथ हम क्या लगा सकते हैं, नेसेसरली, पैसनेटली, सरप्राइजिंगली, स्केसली, आश्चर्यजनक रूप से। आश्चर्यजनक रूप से कहना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी आश्चर्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा निश्चित रूप से होगा, आवश्यक रूप से ऐसा होगा यदि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन मास स्केल पर करते हैं, तो नेसेसरली कहना यहाँ पर सही होगा। पैशनेटली और स्केसली ये तो नेगेटिव वर्ड है, पैशनेटली का मतलब जुनूनी तरीके से, स्केसली मतलब मुश्किल से, तो इनका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। सरप्राइजिंगली और नेसेसरली का एक सेंस बन रहा है, तो सरप्राइजिंगली और नेसेसरली में से नेसेसरली कहना यहाँ पर सही होगा। इट विल नेसेसरली लीड टू पैसिव और एक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द विलेज एज द प्रॉब्लम्स। देखिए अब यहाँ पर इसका रीज़न बताया है, ऐसे हम रीज़न बताते हैं कि यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन मास स्केल पर होता है तो गांवों का एक्सप्लॉयटेशन क्यों होगा। गांवों का एक्सप्लॉयटेशन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन एंड मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑन ए मास स्केल विल लीड टू पैसिव और एक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द विलेजर्स एज द प्रॉब्लम्स कंपटीशन एंड मार्केटिंग कम इन एज द प्रॉब्लम्स ऑफ, हम यहाँ पर बोल सकते हैं। देखिए बिटवीन हम यहाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो लोगों के बीच में किसी चीज़ को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ हम डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पैसेज को, यहाँ पर डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो हम ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन और मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। इन्हेंसिंग प्रॉब्लम, इन्हेंसिंग कंपटीशन एंड मार्केटिंग, इसका मतलब क्या होगा, यदि आप इन्हेंस लगाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम जो कंपटीशन और मार्केटिंग को इन्हेंस करती है, लेकिन कंपटीशन और मार्केटिंग तो पहले वहाँ पर है ही नहीं, वो तो तब आएगा जब आप वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, तो इसलिए इन्हेंसिंग वहाँ पर नहीं आएगा और फॉर्मिंग भी नहीं आएगा, यहां पर आएगा ऑफ। ऑन ए मास स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ए मास स्केल नेसेसरली विल नेसेसरली लीड टू पैसिव एक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द विलेजर्स एज द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड मार्केटिंग कमिंग, देयर फोर वी हैव टू ऑन। अब ऑन के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा, वी हैव टू पॉन्डर, इमेजिन, इंश्योर और कॉन्सेंट्रेट। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द विलेज बींग सेल्फ कंटेन्ड। यदि विलेज के अंदर इस तरीके से विलेज को आपने एक सेल्फ कंटेन्ड बना दिया, मतलब वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं, वहीं पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है और वहीं से जॉब क्रिएशन हो रही है, तो आपको इंडस्ट्री लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि चाइना में होता है, घर घर में वहाँ पर फैक्ट्रीज खुली हुई हैं और मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर। तो इसीलिए यदि आप ऐसा करते हैं, आप गाँव को एक सेल्फ कंटेन्ड बना देते हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग मेनली फॉर यूज़, मैन्युफैक्चरिंग मेनली फॉर यूज़। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द विलेज बींग सेल्फ कंटेन्ड, मैन्युफैक्चरिंग मेनली फॉर यूज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, ऐसा हो सकता है यदि, प्रोवाइडेड का अर्थ है यदि, प्रोवाइडेड दिस कैरेक्टर ऑफ द विलेज इंडस्ट्री इज रीगेन्ड, निगलेक्टेड। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है यदि ये करेक्टर, गाँव का कौन सा करेक्टर, जहाँ पर सारी चीज़ें गाँव में ही पैदा होती हैं, गाँव में ही क्रिएट की जाती हैं, यदि इस करैक्टर को हम क्या करते हैं, यदि हम इस करैक्टर को या तो मेंटेन करते हैं या रीगेंड करते हैं। निगलेक्ट तो कहना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि निगलेक्ट इस करैक्टर को करेंगे तो यहाँ पर इस पूरा पैसेज का पर्पज ही खत्म हो जाएगा।
थॉट का मतलब भी डिस्करेज करना होता है, तो थॉट भी पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। रीगेंड का मतलब होता है कि फिर से प्राप्त करना, कोई चीज़ खो गई है और फिर से प्राप्त करना। लेकिन हम रीगेंड की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यदि इस चीज़ को लगातार किया जाए, यदि इस चीज़ को मेंटेन किया जाए, तो मेंटेन यहाँ पर आपका सही आंसर हो सकता है और होगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दिस करेक्टर ऑफ द विलेज इंडस्ट्री इज मेंटेन्ड, देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन टू विलेजर्स। बिल्कुल सही, मेंटेन यहाँ पर सही आंसर होगा। यूजिंग इवन द मॉडर्न मशीन्स एंड टेक टूल्स दैट दे कैन मेक एंड, मशीन्स और टूल्स को हम क्या करते हैं, मेक करते हैं और क्या करते हैं, और प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अफोर्ड नहीं आएगा। अफोर्ड का मतलब तो होता है उसको खर्च करने में सक्षम होना, जो कि नहीं होगा, हेजिटेट नहीं होगा, हेजिटेट का कोई सेंस नहीं बन रहा। देखिए, ज़्यादातर क्लोजेस्ट इस तरीके के होते हैं जिसमें से दो तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, दो ऑप्शन आप तुरंत निकाल सकते हैं, और दो ऑप्शन में से आप एक को लॉजिकली डिफाइन करके उसको फाइनलाइज, फाइनल आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। There would be no objection to villagers using even the modern machines and tools that they can make and prepare to use. Only they not be used. Only they should आएगा यहाँ पर, only they should not be used as a means of exploitation of others. Only ठीक है, should यहाँ पर सही होगा, या लेकिन शुड में से हम यहाँ पर ओनली दे नीड नॉट बी यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ अदर, चूंकि हम सजेशंस यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसको एक्सप्लोटेशन, मतलब गांव को इस तरह से ना बनाया जाए कि वो दूसरे लोगों का एक्सप्लोइट करना शुरू कर दें। ओनली दे नीड नॉट बी यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लोटेशन, यहाँ पर नीड कहना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, शुड नहीं यहाँ पर जमेगा, नीड कहना ज़्यादा सही होगा। तो इस तरीके से ये क्लोजेस्ट, मैंने रियल क्लोजेस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, और इन क्लोजेस्ट के बाद मैं पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक करूंगा और उनको मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक आप जरूर करें, उससे हमारा इनकरेजमेंट होता है। और यदि आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं CGL 2018 में, और गवर्नमेंट जॉब आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और आप 10 अगस्त से पहले हमारा टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा इंग्लिश का कंटेंट आपको मिलेगा, पूरा GS का कंटेंट मिलेगा, पूरा करेंट अफेयर्स का कंटेंट मिलेगा। इसमें फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ई बुक्स फ्री मिलेंगी, PDF इसमें फ्री मिलेंगी, बहुत ही कम फीस में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये मेरा कॉल, व्हाट्सएप और पेटीएम का नंबर है, तो इन नंबर्स के थ्रू मुझसे आप कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। और ये मेरा पेटीएम का भी नंबर है, तो यहाँ से आप पेमेंट करके भी इस टारगेट बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन, बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।